नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है सोराइसिस ट्रीटमेंट इंडिया यूट्यूब चैनल पे। सर्दियां आने वाली हैं और हम सबको पता है कि सर्दियों में सोराइसिस का फ्लेरअप आता है। जिन लोगों को लंबे समय से सोराइसिस की परेशानी है उनको पता होगा कि सोराइसिस ऐसी एक नोटोरियस बीमारी है, ऐसी शरारती बीमारी है जो एक बार ठीक हो जाती है, एक बार कंट्रोल में आ जाती है, लेकिन फिर सर्दियाँ आते ही पलटी मार जाती है। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कुछ ऐसी 5 से 6 टिप्स जो आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल में, जिससे कि आपकी आने वाली सर्दियों में सोराइसिस एग्रीवेट ना हो। गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक धवन, मैं हूँ MBBS कंसल्टेंट सोराइसिस ट्रीटमेंट इंडिया यूट्यूब चैनल पे। आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं कि आखिर ऐसी क्या 5 से 6 चीज़ें हम कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट, जिससे कि हम इस आने वाली सर्दियों में जो आ गई हैं, पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना ख़राब हो चुका है दिल्ली NCR में, तो ऐसी क्या टिप्स हम इस्तेमाल करें, ऐसी क्या टिप्स हम इनकॉर्पोरेट करें जिससे कि हमारा सोराइसिस को मैनेज करके रखें घर पे ही बिना किसी डॉक्टर को दिखाए। होम रेमेडीज़ की अगर मैं बात करूँ तो कैसे इसको मैनेज करें। गाइस, नंबर 1 टिप, हमको मालूम है कि सोराइसिस ड्राइनेस की वजह से होता है, तो कॉमन सेंस की बात है कि हमें सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, हमें एक्सटर्नली और इंटरनली बॉडी को मॉइस्चराइज करके रखना है। एक्सटर्नली हम अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज करके रखेंगे, दिन में 4 से 5 बार आने वाली सर्दियों में हम किसी भी तरह का इमोलियंट, वैसलीन, कोकोनट ऑयल, सॉरकेर ऑयल, सॉरकेर ऑइंटमेंट, कुछ भी ऐसी चीज़ को लगा के अपने स्किन को मॉइस्चराइज करके रखेंगे। कॉन्सेप्ट ये है कि हमारी स्किन ड्राई नहीं होनी चाहिए, जहाँ पर भी स्किन ड्राई होती है वहाँ पर सोराइसिस के सिम्टम्स बढ़ते हैं, इचिंग बढ़ती है, रेडनेस बढ़ती है, और स्किन के ड्राई होने की वजह से स्किन के फटने के भी चांसेस होते हैं। तो टिप नंबर 1 है कि एक्सटर्नली अपने स्किन को मॉइस्चराइज करके रखें। सेकेंड टिप जो आपके लिए है वो ये है कि सिर्फ बाहर से नहीं, सेल्स को पानी मिलने के लिए इंटरनली भी मॉइस्चर कंटेंट बना के रखने के लिए आप ऐसा फूड आइटम कंज्यूम करें जैसे कि वाटरमेलन, कुकुम्बर, जो भी ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं जिसमें अधिक मात्रा में पानी होता है उसको कंज्यूम करें, उसको अपनी डाइट में लें। सेकेंडली, पानी पीने की हैबिट बनाएं। मैं जानता हूं कि सर्दियों में इतनी प्यास नहीं लगती है, लेकिन ट्राई करें कि कैसे दिन में कम से कम आप 3 से 4 लीटर अपना वाटर इंटेक बना के रखें। इससे हमारे बॉडी के अंदर एडिक्वेट हाइड्रेशन रहेगी, हमारा सोराइसिस भी थोड़ा सा कंट्रोल रहेगा। नंबर 3 ये है कि देखिए, बहुत गर्म पानी से आप ना नहाएं अगर सर्दियाँ हैं। मैं जानता हूँ कि गर्म पानी से नहाने में बड़ा मज़ा आता है, बड़ा मन करता है कि गर्म गर्म पानी से नहाएं, लेकिन बहुत गर्म पानी से नहाने से क्या होता है कि जब वो पानी इवेपोरेट होता है तो वो स्किन में जो मॉइस्चर होता है वो भी इवेपोरेट हो जाता है, राइट। तो बहुत गर्म पानी से नहाने से जब वो इवेपोरेट होता है तो स्किन के मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाते हैं, इसलिए लुक वार्म वाटर से नहाने की आप कोशिश करें सर्दियों में यदि आपको सोराइसिस है। 4th टिप जो मेरे पास आपके लिए है वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा ट्राई करें कि हीटर के पास ना बैठें, आप ओवर हीट ना करें अपनी स्किन को। स्किन के जैसे जो मेन कॉन्सेप्ट है कि ड्राइनेस नहीं रहने चाहिए, आपके एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बरकरार रहनी चाहिए, तो ऐसा ना हो कि आने वाली सर्दियों में आप हीटर के पास बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस आपको अवॉइड करनी है ताकि हमारी स्किन जो है वो ड्राई ना रहे। बेसिक कॉन्सेप्ट वही है गाइस कि देखो, स्किन ड्राई नहीं रहनी चाहिए, उसकी मॉइस्चराइजेशन हम कैसे रखें, चाहे हम अंदर से पानी कंज्यूम कर रहे हैं या बाहर से हम स्किन को कुछ लगा रहे हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हम कंट्रोल करके रखेंगे तो हमारे सोराइसिस के जो सिम्टम्स हैं उसमें हमें डेफिनेटली रिलीफ मिलेगा। लास्टली जो टिप मेरे पास आपके लिए वो ये है कि सन एक्सपोजर को आप ट्राई कीजिए। गाइस, सनलाइट से हमारे स्किन के अंदर विटामिन डी सिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो चालू हो जाती है, और जो विटामिन डी है उसका साइंटिफिक रोल है हमारे स्किन सेल्स की मल्टीप्लिकेशन की स्पीड में। तो विटामिन डी जब हमारी बॉडी में एडिक्वेट होता है, चाहे हम उसको सप्लीमेंटेशन के फॉर्म में ले, चाहे हम उसको सन एक्सपोजर के फॉर्म में ले, एम ये करें कि विटामिन डी यानी कि सन एक्सपोजर हमें 10 से 15 मिनट दिन में मिलता रहे। इससे हमारे जो स्किन सेल्स की मल्टीप्लिकेशन की स्पीड है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। इनफैक्ट, सॉरकेर ऑयल को लगा के यदि हम 10 से 15 मिनट सन एक्सपोजर करते हैं तो हमारे स्किन सेल्स की मल्टीप्लिकेशन की रफ्तार को कम किया जा सकता है, रेडनेस को हटाया जा सकता है, उभरे हुए पैचेस को कम किया जा सकता है, पपड़ी को भी ठीक किया जा सकता है। ये कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं सॉरकेर ऑयल और सॉरकेर ऑइंटमेंट प्लस फोटोथेरेपी के। और लास्टली जो टिप मेरे पास आपके लिए है वो गाइज ये है कि देखिए, देर ना करें। सोराइसिस एक ऐसी बीमारी है जो शुरुआत में तो बहुत देर से शुरू होती है, लगता है कि डैंड्रफ है, लगता है कि कुछ स्किन कुछ है, इनफेक्ट छोटा सा इचिंग हो रहा है, तो लोग बहुत लाइटली ले लेते हैं उस चीज़ को, जिसकी वजह से अगली सर्दियों में बीमारी जब वापस आती है तो और एग्रेसिवली वापस आती है। जब स्कैल्प सोराइसिस से शुरू होता है तो फिर वो स्किन में चले जाता है, स्किन में जाता है तो फिर वो नेल्स में चले जाता है।
जो अगर इसका सही समय पे सही डॉक्टर के साथ सही इलाज ना किया जाए तो ये डिजीज़ आगे बढ़ सकती है। गाइस ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई ये 5 to 6 टिप्स प्रैक्टिकल लगी हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इनको इनकॉर्पोरेट करें और फिर हमें बताएं कमेंट सेक्शन में या हमारे कम्युनिटी पोस्टिंग में कि आपको ये टिप्स कैसी लगी, और इनको ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें ताकि आपके सोराइसिस के सिम्टम्स में इस सर्दियों में एटलीस्ट फ्लेयर अप ना आए।